खान अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। मुझे कहते हैं अली अजमत और प्रोग्राम स्टार स्पोर्ट्स के साथ स्टार एशिया के प्लेटफॉर्म से लाइव में नाजिन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजिन, अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की जो ओडीआई का स्क्वाड है उसके मोस्ट ऑफ द जो प्लेयर्स हैं वो इस टाइम जो है लैंड कर गए हैं मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए हैं खैरियत से। और जो है पाकिस्तान ने अपने ओडीआई सीरीज़ का जो आगाज़ है वो 4 नवंबर से करना है और प्लेयर्स जो है वो डिटरमाइंड नज़र आ रहे हैं और एक अच्छे कॉन्फिडेंस में भी नज़र आ रहे हैं बिकॉज पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ विन की है होम सॉइल पे अगेंस्ट इंग्लैंड काफ़ी अर्से बाद, और 2-1 से पाकिस्तान ने वो सीरीज़ जीती। तो प्लेयर्स जो है अच्छे नज़र आ रहे हैं, अच्छी शेप में नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी अब पाकिस्तान, उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान अच्छा करे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में, और अगर पाकिस्तान जीतता है तो अच्छी बात है। जैसा मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि अगर आप जीत नहीं सकते तो एटलीस्ट लड़ना ज़रूरी है, तो लड़ के पाकिस्तान अगर हार जाए तो उसकी खैर होती है, लेकिन जो है बिल्कुल डाउन एंड आउट दिखना वो काबिले बर्दाश्त नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम लड़ के मैचेस खेलेगा और अच्छे मैचेस खेलेगा। इसके अलावा फ़खर जमान की अगर बात करें तो फ़खर जमान ने जो अपनी जो उनकी एक एजेंसी थी जिसके साथ जो उनको कंट्रोल कर रही थी, जो उनके साथ काम कर रही थी और जो उनके एजेंट थे जो उनको मैनेज कर रहे थे, बेसिकली उनसे जो है फ़खर जमान ने राहें जुदा कर ली हैं ट्वीट के बाद जो इशू बना था। और जो है पाकिस्तान को हम जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो है बात अभी करेंगे मजीद, पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया टूर के हवाले से, फ़खर जमान के हवाले से बात करेंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से बात करेंगे, दीगर चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब हमारे साथ जो है गेस्ट चीज़ों के हमारे जुड़ चुके हैं, हमारे साथ अब्दुल कयूम साहब मौजूद है, सीनियर तजियाकार है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, को वेलकम कहते हैं शो में। सर वेरी वार्म वेलकम इन द शो। अच्छा नाजिन, जो है लाइन ड्रॉप हो गई है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की कल जो है हम बात कर रहे थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से जिस तरह बात चल रही थी तो उसके थोड़े से आपको अपडेट देते चलें कि बाबर आजम जो हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हुए हैं, मोहम्मद रिजवान भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों जो हैं बेसिकली कैटेगरी ए में शामिल हुए हैं। कैटेगरी बी की अगर बात करें तो उसमें नसीम शाह भी हैं, शाहीन शाह फरीदी भी हैं। कैटेगरी ए में थे नसीम शाह लेकिन थोड़ी सी उनकी तनजीली हुई है, अब कैटेगरी बी में शामिल किया गया है। और कैटेगरी बी में शान मसूद भी शामिल हैं और शान मसूद को जो है सब्जेक्ट टू कैप्टनसी रखा गया है कि अगर उनकी कैप्टनसी जो है वो बरकरार रहेगी तो उनको जो है टीम में मतलब शामिल भी किया जाएगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पाथ भी इनको दिया जाएगा और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी वो रहेंगे। और अगर फर्दर मोर अगर बात करें हम बात करें कैटेगरी सी की तो कैटेगरी सी में भी जो है नुमान अली शामिल है, साजिद खान शामिल है, हमारे स्पिनर्स जो हैं। नुमान अली की अगर बात करें तो नुमान अली आपको पता है उनकी फिटनेस के थोड़े से मसाइल थे तो उनको जो है टीम में शामिल किया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया, लेकिन उनके ऊपर एक शर्त रखी गई है, कुछ शराइत रखी गई है कि उनकी फिटनेस बरकरार रहती है तो उनको टीम का जो है पार्ट रहने दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा बने रहेंगे, अगर नहीं तो फिर उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट पास दे दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर आगे चलें तो जिस तरह है आपके साउथ शकील हैं, साउथ शकील को भी कैटेगरी सी में शामिल किया गया। और अगर आगे चलें तो कैटेगरी डी में जिस तरह कामरान गुलाम है, आपके जो है इरफान खान है और बाकी दीगर खिलाड़ी हैं जिस तरह जो नए चेहरे हैं आपके, उनको कैटेगरी डी में शामिल किया गया है। और कैटेगरी अगर हम बात करें ओवरऑल तो इफ्तखार और जो आपके शादाब खान है उनको जो है बेसिकली कैटेगरी जो है कैटेगरी से निकाल दिया गया है, कैटेगरी से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। और अच्छा नाजिन, हमें कयूम साहब ने जो है दोबारा ज्वाइन कर लिया है, उनको दोबारा वेलकम कहते हैं शो में। सर वेरी वॉम। अच्छा नाजिन, लाइन जो है मेरा ख्याल उनकी थोड़ी सी मसला चल रहा है, शायद कनेक्टिविटी इशू है या लाइन ड्रॉप हो रही है, शायद उनकी प्लेस ठीक नहीं है। तो नाजिन, हम बात कर रहे थे जिस तरीके से आपके जो है सरफराज अहमद को इस दफ़ा जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया, इसके अलावा शादाब खान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा अगर फर्दर मोर बात करें तो हम जो इफ्तिखार अहमद हैं उनको भी शामिल नहीं किया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो हमारे जो एक बड़े आम खिलाड़ी हैं जिस तरह अगर हम बात करते हैं सरफराज अहमद की, उनको जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इसलिए ड्रॉप किया गया क्योंकि आपको पता है मिंटोर जो है मिंटोरशिप कर रहे हैं एक टीम को और उसको देख रहे हैं। अब मेरे ख्याल पीसीबी के प्लान्स चेंज हो गए हैं, पीसीबी चाहता है कि वो जो है अब पाकिस्तान टीम को सर्व करें एज अ मेंटोर या एज अ कोच या एज अ मेंटोर, इस तरह के अगर उनको अहदे दिए जाएं तो शायद वो बेहतर मुफीद साबित होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी विनर भी हैं और उन्होंने जो है एक अच्छा नाम है उनका, अंडर-19 वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है और 2-3 ट्रॉफीज जो है उनके नाम है, पीएसएल भी कोटा ग्लैडिएटर्स को फातह टीम बनाया और जो है एक अच्छे कप्तान भी साबित हुए पाकिस्तान के लिए, सरफराज अहमद की मैं बात कर रहा हूँ। और आगे अगर चलें तो फ़खर जमान को जो है
एक्सक्लूड किया गया है, निकाल दिया गया है सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट से, एग्जिट पाथ दिया गया है। ये एक बड़ी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए है क्योंकि फ़खर एक इम्पैक्ट प्लेयर है, एक मैच विनिंग प्लेयर है, उनको साइडलाइन करना कुछ समझ नहीं आता क्योंकि फ़खर जो है वो इस किस्म के खिलाड़ी हैं जो एक कभी भी जो है गेम का पांसा पलट सकते हैं, और फ़खर जमान इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर जो सिंगल हैंडेडली आपको मैच जितवा सकते हैं। आपको अगर चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, आपको पता है उन्होंने एक 100 लगाया, 100 जो है एक टर्न था उनका, और वो सेंचुरी ने पाकिस्तान की तकदीर बदली, पाकिस्तान को मैच जितवाने में वो मदद उसकी हासिल हुई सेंचुरी की। क्योंकि देखिए अगर बात करें जब चैंपियंस ट्रॉफी आई थी, शुरू हुई थी, तो पाकिस्तान वॉज वेरी डाउन एंड आउट, अहमद शहजाद जो है सही परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ओपनिंग आपकी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, तो जब बाद में हमने देखा तो फ़खर जमान ने जब जो है अच्छा नाजिन कयूम साहब ने दोबारा हमें ज्वाइन कर लिया, इनको वेलकम कहते हैं शो में। सर वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान टीम जो है खैरियत से वो पहुंच चुकी है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में लैंड हो गए हैं, 7 से 8 प्लेयर्स जो है पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड के मेलबर्न में लैंड हो गए हैं, और बाकी प्लेयर्स जो है वक्तन फवक्तन को ज्वाइन करते रहेंगे, T20 के प्लेयर्स भी थोड़े लेटर ऑन आएंगे, तो आप क्या समझ रहे हैं ये सीरीज पाकिस्तान के लिए कितनी टफ होने वाली है, और पाकिस्तान खिलाड़ी जो है इंग्लैंड से जीतने के बाद कितने कॉन्फिडेंस में आपको नजर आते हैं? अच्छा सबसे पहले ये बता दूं पाकिस्तान जिन खिलाड़ियों से जीता है वो तो ऑस्ट्रेलिया लेकर ही नहीं गए, नुमान और साजिद को इनको मौका देना चाहिए था ना। ये जरूर नहीं है कि वो टेस्ट के प्लेयर हैं तो आप उनको वनडे या T20 फॉर्मेट में चेक ही नहीं करेंगे। देखिए आपके पास आपको मैच उन्होंने जितवाए दोनों इंग्लैंड के खिलाफ, वरना तो आपकी पोजीशन ऐसी थी कि आप बांग्लादेश से भी आप नहीं जीत सकते थे, तो आप उनको मौका देना चाहिए था। लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है कि जी इसमें आपने जो है अपना कई नए खिलाड़ियों को शामिल किया है जिससे आपका बैकअप मिल सकता है, लेकिन इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी इनको कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौड़ा हमेशा हर टीम के लिए मुश्किल होता है, ये जो नए लड़कों को मौका दिया है और जो ये इतना कामयाब नहीं होते इनको बजाय इसके कि इनका फ्यूचर तबाह क्या कर दिया जाए इनको दोबारा मौका देना पड़ेगा। जी अच्छा कुछ नए स्पिनर्स पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जैसे T20 में सुफियान मकीम है, अरफात मिनहास हैं, फिर जो है ODI की अगर बात करें तो फैसल अक्रम है, जो है बेसिकली वो जो है लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन है, पाकिस्तान में कमी भी थी रिस्ट स्पिनर्स की और लेफ्ट आर्म भी हैं वो, फिर ऑर्थोडॉक्स हैं, इरफात मिनहास काइंड ऑफ ऑलराउंडर है, उनको भी ODI में शामिल किया गया, तो नए चेहरे सामने आ रहे हैं, यूथ जो है वो सामने आ रही है, यूथ को शामिल किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं जो स्पिनर्स अब सिलेक्ट किए गए हैं इसमें पाकिस्तान के फ्यूचर आप ब्राइट समझते हैं मुस्तकबिल में, क्योंकि नए चेहरे सामने आए हैं? ये चीज अच्छी है कि जी आप नौजवानों को चांस दे रहे हैं, लेकिन मायों को दोबारा अपना को मौका देना चाहिए था। मैं वही कहूंगा कि जी आपके पास इस टाइम जो टेस्ट आपको जिताया इंग्लैंड के खिलाफ जिन्होंने, उनको आप टीम का हिस्सा बनाते हैं ताकि जो आपके जो जैसे फैसल अकरम हो गया या दीगर जो से स्पिनर है आपके वो उनके साथ खेलते तो उनको जाहिर तजर्बा हासिल होता, तो ये हम नहीं कह सकते कि अपने इनका ऑस्ट्रेलिया में क्या परफॉर्मेंस रहेगी। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की जो विकेट होती है वो तो आपको पता ही है, वहाँ पे गेंद कट भी होता है, वहाँ पे स्विंग भी होता है, वहाँ पे बाउंस भी होता है, तो वहाँ पर फास्ट बॉलर ज्यादा कामयाब होते हैं हमेशा, तो स्पिनर का तो इतना ज्यादा वहाँ पे दखल नहीं होता, इसलिए आप जिम्बाब्वे के खिलाफ या किसी दूसरी टीम के साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये ज्यादा नौजवानों को चांस देते हैं। लेकिन अपना अब इसमें ये होगा कि जी जो कामयाब हो गया ठीक है, वरना वो उसका मुस्तकबिल मिटाओं पे लग जाएगा। जी अच्छा थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बात करते हैं, जिस तरह सुफियान मकीम सिलेक्ट हुए और बाकी खिलाड़ी हैं, इरफात मिनहास हैं, फैसल अकरम हैं, लेकिन अगर इनकी थोड़ी सी हम बात करें इन टर्म्स ऑफ लिस्ट प्ले कैरियर या फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट इन्होंने ना होने के बराबर खेली हुई है डोमेस्टिक में, तो आप क्या समझते हैं इसकी ये राइट कॉल है, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके पास तजर्बा ही नहीं है, तो किस तरह ये ऑस्ट्रेलिया से कॉप अप करेंगे? ये बहुत अच्छी आपने बात कही है। अब मैं इनके जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं उनके उनने जहांदाद खान है, अब्बास आफरीदी है, उमर बिन यूसफ है, साहिबजादा फरहान है, उस्मान खान है, सुफियान मुकीम अभी आपने उनका जिक्र भी किया, और अपना क्या कहते हैं फैसल अकरम है,
स्पेशल अकरम है, उस इनको आपने मौका दिया है, एकदम आपने 8 से 9 खिलाड़ियों को जो लेके जा रहे हैं आप, तो अब इनमें से देखो कौन परफॉर्मेंस देता है कौन नहीं देता, तो ये जाहिर है उनके लिए भी एक चैलेंज होगा। हाँ, इनमें से अगर जो कोई कर जाता है अच्छी परफॉर्मेंस कर जाता है तो वो तो उसके लिए ये होगा कि वो आपको बैकअप मिलेगा और आपके लॉन्ग टर्म टीम का हिस्सा बन सकता है वो। जी, और अगर आगे चले थोड़ा सा उसामा मीर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसामा मीर का क्या कसूर था? लास्ट टाइम उनका थोड़ा झगड़ा भी हो गया वहाब रियाज के साथ, सिलेक्शन कमेटी में थे वहाब रियाज, उनको सिलेक्ट नहीं किया गया, एनओसी नहीं दिया गया, वो क्रिकेट खेलने गए थे फॉरेन कंट्री, तो बाद में जो है मसला हो गया और उनको फिर टीम से साइडलाइन भी कर दिया गया। तो अब उसामा मीर जो आपको पता है एक प्रीमियर स्पिनर है आपके, उनको इज्जत देनी चाहिए, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हुआ है, पीएसएल में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं, तो उनको जो है बिल्कुल साइडलाइन कर देना और उनके ऊपर तरजीह देना यंग प्लेयर्स को जिस तरह जिनका तजर्बा ही नहीं है, जिस तरह इरफात मिनहास हैं, उसामा मीर हैं, इरफात मिनहास हैं, सुफियान मुकीम हैं, और जिस तरह फैसल अकरम हैं, तो आप भी समझते हैं उसामा मीर तो उनसे कहीं ज्यादा तजर्बा कार थे, तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है। देखिए ये जो मैंने अभी नाम लिए थे, जो नए 8-9 खिलाड़ियों के नाम लिए, इनकी मेरा ख्याल है इनमें से चंद एक तो है जो अपना पाकिस्तान में डोमेस्टिक में भी परफॉर्म इनकी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनको मौका दिया गया है। तो समझ में आपने उसामा मीर की बात की, उसामा मीर की का जो अपना इख्तलाफात वहाब रियाज से नहीं, वो तो क्रिकेट बोर्ड से ही इख्तलाफात, क्योंकि वहाब रियाज का तो लिंक डायरेक्ट आपका पीसीबी से है, तो इसीलिए उनको जो अपना टारगेट बनाया गया पाकिस्तान के रूप में, तो हमेशा ऐसा होता है कि अगर कोई आप तलाश है तो उसको तो क्रिकेट उसकी तबाह कर दी जाती है, तो समझ में ऑस्ट्रेलिया में बड़े कामयाब होते हैं। आपने अगर क्रिकेट सेंस से आप देखते तो आप उसको ले जाते, लेकिन आपने उसको एक साइड पे करके अपनी टीम का नुकसान किया। जी, फखर की थोड़ी सी बात कर लें, फखर जमान की, ये क्या हो गया? मतलब लेट्स लगता तो ऐसे है कि उनके साथ खेला गया है फखर जमान के साथ, क्योंकि उनके जो एजेंट थे उन्होंने जो है ट्वीट करवाया बाबर के हक में, क्योंकि बाबर को फखर को और रिजवान को एक ही एजेंट जो है वो बेसिकली मैनेज कर रहा था, तो उसने जो बाबर ड्रॉप हुए, ड्रॉप भी नहीं किया गया बाबर को, आपको पता है उनको साइडलाइन भी नहीं किया गया, उनको तो रेस्ट दिया गया था, और फखर जमान से जज्बाती हो गए, उसने ट्वीट करवा दिया उनके एजेंट ने, और एजेंट जो था उसने जो है फखर जमान के साथ खेल गया वो एजेंट, और फखर जमान तो अब जो है आपको पता है कि सर दे के अपना रो रहे होंगे कि किस तरह की मैंने गलती कर दी, और जो है बाबर की अगर बात करें तो बाबर ने कोई ट्वीट नहीं किया फखर के हक में, तो मसला तो फखर के साथ क्रिएट हुआ है। अच्छा, आपको यहाँ पे एक चीज बताऊं, क्योंकि उनको भी ये पता था कि पीसीबी के जैसा है उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कोई बयान नहीं दे सकते, उनको बयान देना नहीं चाहिए था। असल में उन्होंने देखा कि बाबर आजम टीम के कप्तान होते हैं, अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं भी होगी तो मुझे ओब्लाइज किया जाएगा और टीम का, क्योंकि ये अरसे से जो है परफॉर्म नहीं कर रहे फखर जमान, तो इनको तो अपना टीम का हिस्सा बनाया जा रहा था, तो इसीलिए उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर मैं ऐसा कोई काम करूंगा तो टीम पैसा रहूंगा, लेकिन वो उल्टा उनके खिलाफ हो गया। ये जो इन्होंने अपना किया है पीसीबी के खिलाफ जाती है बात है, इसलिए उनको जो अपना टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। जी, और अगर बाबर के हवाले से थोड़ी सी बात करें तो ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही, थोड़ा इसकी आप क्लैरिटी दे दें, क्योंकि आपको पता है फखर ने ट्वीट किया और फखर ने जो ट्वीट किया उसके बाद वो फंस गए, बाबर के हक में ट्वीट किया और फखर जो है ड्रॉप भी हो गए, सेंट्रल कॉन्टेक्ट में भी शामिल नहीं किया गया, लेकिन आप नहीं समझते फिर बाबर का भी फर्ज था कि फखर को पैम्पर करते, फखर के हक में ट्वीट करते, क्योंकि बाबर की वजह से फखर बाहर हुए हैं ना? नहीं, वो अपना कर नहीं सकते ना, आपको पता है वो एक तो कैप्टन के और दूसरा पीसीबी का बात कही थी कि पीसीबी के इजाजत के बगैर आप किसी के खिलाफ या किसी के फेवर में कोई बात नहीं कर सकते, तो ये बाबा थोड़ा समझता था, इसलिए उन्होंने कोई इसके का रद्द अमल नहीं दिया। अगर रद्द अमल देते तो जाहिर है उसका उसके हवाले से भी कोई बात होती, मीडिया का तो काम होता है किसी से आप किसी से बात करें और उससे निकलवाएं, इसलिए क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्टेक्ट रखे कि आप किसी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि किसी टाइम भी किसी से गलत बात निकल जाती है जो बोर्ड और खिलाड़ी के खिलाफ आ जाती है, इसीलिए बाबर ने यह कोई इस तरह का कोई रद्द अमल नहीं दिया।
तो फखर ने दिया, तो फखर को उसकी सजा मिल रही है जी। अच्छा, फखर जमान की अगर बात करें तो आप नहीं समझते कि साबित होता है इस बात से, क्योंकि एविडेंस तो हम फाइंड करते हैं या हम कोई कोशिश करते हैं कि एक प्रूफ के साथ बात करें, जब एविडेंस हमारे पास, कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है तो उसको ही हम आगे तस्दीक करके बताते हैं। तो आप नहीं समझते कि फखर जमान ने जो एजेंट से राहें जुदा की हैं, आज जो खबर बड़ी गर्म चल रही है कि फखर जमान ने अपने एजेंट से जो है राहें जुदा कर ली हैं, तो आप नहीं समझते कि इसकी कड़ी कहीं ना कहीं यहीं से मिलती है कि एजेंट जो है तीनों को सामाओ बैनिश कर रहा था, बाबर को भी, रिजवान को भी और फखर को भी, और फखर के साथ खेला गया, फखर से ट्वीट करवाई गई है, फखर ने ट्वीट की नहीं है, फखर से जो एजेंट ने फोर्सफुली ट्वीट करवाई है या उनको ब्लैकमेल करके ट्वीट की है और उसके बाद फखर ने जो है खमियाजा भुगता, तो आप नहीं समझते कि एजेंट वॉज द मेन कल्प्रिट? हाँ, यहाँ पे तो आपकी बात जो है ना इत्तफाक ही जाती है कि जी उसको उसमें भी इतनी सेंस है कि जी वो क्या कर रहा है, तो अगर उसको उसको कराई गई है तो उसने क्यों, उसको भी सोचना चाहिए था। लेकिन यहाँ जरूर ये थोड़ा बहुत है कि जिससे ये काम करवाया गया है तो उसका जो उसका नुकसान हुआ है उसको, उसकी जिम्मेदारी तो जाहिर है अब उसके ऊपर ही आती है ना, तो ये हम इसके बारे में कहने पे, ठीक है भी कहने पे अगर काम किया है तो उसकी सजा इसको मिली थी। लेकिन आप नहीं समझते कि फखर आप बिल्कुल कह रहे हैं खेले हैं, आपने ओडीआई तो कुछ भी नहीं खेला 2 सालों में, और आपको जो है जब फखर जमान को T20 में खिलाया जाता था तो उनके नंबर सेक्रीफाइस किया जाता था, वो ओपनिंग बैट्समैन, उनको चौथे पांचवें नंबर पर भेजा जाता था, चौथे नंबर पे बैटिंग करते थे फखर जमान, तो आपने समझते कि उनकी जगह जो है सेक्रीफाइस की जा रही थी, इस वजह से उनकी फॉर्म जो है उस तरह अवेलेबल नहीं थी, फॉर्म उनकी करंट फॉर्म जो है खराब थी क्योंकि नंबर सेक्रीफाइस कर रहे थे। लेकिन इस सिचुएशन में, क्योंकि आप न्यूजीलैंड वाला मैच उठा के देख लें जब वर्ल्ड कप में हुआ था, 400 का टारगेट पाकिस्तान को मिला, 400 से ऊपर का टारगेट पाकिस्तान को मिला और उस पर फखर जमान ने जो धुआंधार बैटिंग की जिसकी वजह से आप डकवर्थ लुईस मेथड पे मैच जीत गए, फखर जमान ने बड़ी जबरदस्त सेंचुरी की थी, तो आप नहीं समझते कि एक बड़े प्लेयर है, एक इम्पैक्ट प्लेयर है, उनको साइडलाइन करना जो है बनता था, क्योंकि पीसीबी बैठ के बात कर लेता, कोई बैठ के बातचीत हो जाती, कोई 2-3 मैचों का बैन लगा देते, लेकिन सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट से इनको बिल्कुल बरतरफ कर देना, सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट से फारिग कर देना, एग्जिट पास दे देना, ये नहीं समझ आती बात, सर्विसेज है उनकी हाँ। पाकिस्तान के लिए अगर इस ये बात करते हैं तो उनका टीम से बाहर होना नहीं बनता था, क्योंकि प्लेयरों की सबकी परफॉर्मेंस, बाबा आजम की ले लें, किसी की भी ले लें, और किसी की परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं है, तो एक आपके पास अच्छा ओपनर था और फखर जमान, आप अगर चाहता, बोर्ड चाहता तो इससे इससे कोई अपना कॉम्प्रोमाइज कर सकता था, लेकिन कोई ऐसी ये जिससे बोर्ड को बुरा लगा तो उन्होंने ये स्टेप, आप ठीक है कि जी उसको कई दिन से लिया पाकिस्तान की अच्छी, लेकिन उनको जो है ना बाहर करना मौके के हिसाब से गलत है जी। और फखर जमान की अगर बात करें, आपको पता है कि उनको जो है ड्रॉप तो कर दिया गया, लेकिन अब अगर बात करें, आप उनके लिए एक वक्त के लिए बात हो रही थी कि इनको कप्तान बनाया, यूनुस खान ने भी ट्वीट इनके बारे में, इनके हक में बात की थी कि इनको कप्तान बनाया जाए क्योंकि सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना नंबर, लेकिन अब जो है ऐसी नौबत आ गई कि फखर की टीम में भी जगह नहीं बन पा रही, तो फखर जमान आपको क्या लगता है कि साइडलाइन इनको कर दिया गया है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल नहीं किया गया, तो आप क्या समझते हैं कि फखर जमान को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए क्रिकेट से और अपने जो है राय जुदा कर लेनी चाहिए पीसीबी से भी? नहीं नहीं, अभी तो ना उनकी क्रिकेट काफी बाकी है। अच्छा, तो हाँ काफी बाकी है, उनको चाहिए अपना डोमेस्टिक खेलने, परफॉर्म करें, सिलेक्टर को भी मजबूर कर लेंगे कि जी आप इनको को सिलेक्ट करें। दूसरी बात आपने कही है कैप्टनसी की, तो हमने कभी उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं किया कि जी वो टीम के कप्तानी के लिए अपना तैयार है या टीम के कप्तान बनना चाहते हैं, तो अगर किसी ने उनके कायदे जिनको कप्तान बनाया जाए तो ये तो हर एक का अपना अपना जहन होता है कि मेरी ख्वाहिश है कि जी फला बंदा कप्तान बने फला ना बने, तो इससे तो नहीं ऐसा होता कि जी क्रिकेट बोर्ड ने कोई उसके इतराज किया हो, ये तो हर एक का अपना हक है कि जी उसको किसी भी बारे में किसी भी कोई बात कर सकते हैं जी। तो आप क्या समझते हैं कि फखर को अब जो ड्रॉप किया गया है, फखर को अब दोबारा टीम का पार्ट बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उनको साइडलाइन कर दिया गया है, तो फखर अब उम्मीद रखें कि दोबारा पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकते हैं?
बात ये कि जी अपना मैं समझता हूँ कि अगर उनके बोर्ड के साथ मामला ठीक नहीं है तो फिर मैंने समझता कि जब तक ये बोर्ड है तो वो टीम का हिस्सा बनेंगे, तो जब बोर्ड की तब्दीली होगी तो फिर शायद उनका कोई चैनल बने, वो दोबारा टीम में शामिल हो जाए। बहुत शुक्रिया मास्टर अब्दुल कयूम साहब जो मौजूद थे, सीनियर तजिया कार हैं, उन्होंने वैल्यूएबल एडिशन किया प्रोग्राम में। और हमने नाज़रीन बात की अभी तक जो है पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया टूर के हवाले से, और फ़खर जमान पे ज़्यादा डिबेट आज हमने की, अभी थोड़ी देर पहले जो है गुफ्तगू की, क्योंकि उनको जिस तरीके से साइडलाइन किया गया है, इट इज़ मतलब इस पर इवन स्टीवन राय आ रही है, कुछ लोग कहते हैं एक्सेप्टेबल नहीं है, कुछ लोग कहते हैं पीसीबी के साथ उन्होंने जो है डायरेक्ट आके मुकाबला किया तो उस वजह से उनको टीम से जो है निकालना बनता था। मोस्टली लोग कह रहे हैं कि नहीं बनता था क्योंकि एक प्रीमियम बैट्समैन है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दी हुई हैं और एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं पाकिस्तान के। तो नाज़रीन हम जो है फ़खर जमान पे दोबारा भी गुफ्तगू करेंगे, और अभी जो है ब्रेक के बाद ऑस्ट्रेलिया टूर के हवाले से ही बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमें नए गेस्ट ज्वाइन करेंगे, तो हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, हमारे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून्ड, वी बी राइट बैक।